Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बाहुबली मुख्तार अंसारी फिलहाल बांदा जेल में बंद है। कल डीएम एसपी का छापेमारी भी हुआ था। मुख्तार अंसारी खड़े होकर उस चीज को देखते नजर आ रहे थे। तो वहीं आए दिन आपको पता होगा कि कोर्ट के सामने कई दफा मुख्तार अंसारी जो है वो गिड़गिड़ाते भी नजर आते हैं। इस कड़ी में ऐसा हुआ है पहली बार कि कोर्ट में पेशी के दौरान बाहुबली मुख्तार अंसारी दरोगा के बयान पर ठहाके मार के हंसने लगे। अब पूरा मामला क्या है, क्यों हंसने लगे, चलिए जानने का प्रयास करते हैं। दरअसल पूर्वांचल के बाहुबली मुख्तार अंसारी को शुक्रवार को बाराबंकी जिले के गैंगस्टर कोर्ट में पेशी हुई थी। विशेष सत्र न्यायाधीश एमपीएमएल कमलकांत श्रीवास्तव की कोर्ट में अभियोजन गवाह दरोगा ब्रजेश प्रताप सिंह ने गवाही दिया था। जिला के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुख्तार अंसारी की पेशी हुई। जिला के दौरान गवाह दरोगा के उल्टे सीधे बयान पर मुख्तार अंसारी अपनी हंसी नहीं रोक सके और ठहाके मारकर हंसने लगे। कोर्ट ने आगे जिला के लिए 4 दिसंबर की तारीख तय की है। एम्बुलेंस कांड के आरोपी बाहुबली मुख्तार अंसारी की गैंगस्टर केस में चल रहे ट्रायल पर सुनवाई हुई। विशेष सत्र न्यायाधीश यानी कि एमपीएमएलए कमलकांत श्रीवास्तव की कोर्ट में शुक्रवार को अभियोजन गवाह दरोगा ब्रजेश प्रताप सिंह ने बयान दर्ज कराए। वकील रणधीर सिंह शुमा ने बताया कि सरकार बनाम मुख्तार अंसारी की पेशी हुई है। अभियोजन गवाह उप निरीक्षक ब्रजेश प्रताप सिंह हाजिर हुए। कोर्ट में दरोगा की गवाही के बाद बचाव पक्ष वकील से जिरह हुई। जारी जिरह के बीच समय अभाव के चलते कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 4 दिसंबर लगाई है। वकील ने बताया है कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बांदा जेल से मुख्तार अंसारी, संत कबीर नगर जेल से जफर चंदा, गाजीपुर जेल से अफरोज उपचुन्नू हाजिर हुए। गवाह गवाही सुनकर मुख्तार अंसारी मुस्कुराकर ठहाके लगाने लगे। बताया जा रहा है कि 11 अप्रैल 2023 में नगर कोतवाली बड़ेल चौकी इंचार्ज रहे ब्रजेश प्रताप सिंह अवैध वसूली के पैसे बंटवारे के मामले में जेल में थे और कुछ दिन पहले ही जमानत हुई थी, जिसकी मुख्तार अंसारी के गैंगस्टर मुकदमे में गवाही शुरू हुई है। बता दें कि फर्जी एम्बुलेंस मामले में मुकदमे में छानबीन के बाद मुख्तार अंसारी की संलिप्तता पाए जाने पर धाराएं बढ़ाई दी गई। साथ ही इस मुकदमे में मुख्तार और उनके 12 अन्य गुर्गों के नाम भी बढ़ाए गए हैं, जिनकी सुनवाई एमपीएमएल कोर्ट में चल रही है। बाकी इस मसले को आप किस तरीके से देखते हैं बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।